नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्निकल नॉलेज चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी न्यूज़ स्टॉक मार्केट में। तो फर्स्ट न्यूज़ है टाइटन कंपनी की। यह आप देखिए, टाइटन कंपनी के जो प्रमोटर है, जो इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला, उन्होंने लगभग टाइटन कंपनी अब में अपने 1% शेयर सेल कर चुके, यानी लगभग अब उनकी होल्डिंग 4% रह चुकी। आपने अगर ये टाइटन कंपनी के शेयर ले चुके हैं तो आपको करना क्या है? ये देखिए, अभी राकेश झुंझुनवाला ने अपनी होल्डिंग कम की है, इसका मतलब यही है कि स्टॉक और नीचे जाने वाला है। अगर वो लॉस में जाने वाला होता तो उन्होंने सब क्वांटिटी सेल कर चुके होते, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि ये देखिए, टाइटन कंपनी अच्छी कंपनी, वो एवरेज करेंगे, फिर से वो ज़रूर बाय करेंगे टाइटन कंपनी। लेकिन अभी के लिए शायद उनका टारगेट 500 के आसपास रह सकता है। क्योंकि देखिए, फर्स्ट न्यूज़ तो राकेश झुंझुनवाले की, लेकिन उनसे भी फर्स्ट न्यूज़ ये थी अभी स्टॉक मार्केट में, लेटेस्ट अभी आने वाली है। अभी भी मार्केट क्लोज होने वाला है, लेकिन अगले दिन निगेटिव ही ओपन होने वाला है। आज देखिए 15 अप्रैल मार्केट पॉजिटिव, लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़ है कि हमारी GDP की ग्रोथ लगभग 0% बताई गई है। आप अगर यहाँ जाते हो मनी कंट्रोल में, आप देख सकते हैं फर्स्ट न्यूज जो मैंने अभी देखी है राकेश झुंझुनवाला ने। ये देखिए 1.03% करोड़ शेयर्स मार्च क्वार्टर के एंड तक उन्होंने सेल कर चुके हैं। आप देख सकते हैं 5.53% उनकी लगभग होल्डिंग थी, लगभग अब 4.3% है, आप देख सकते रह चुकी है। तो ये तो आप स्टॉक मार्केट या फिर मनी कंट्रोल या गूगल से भी आप देख सकते हैं। मनी कंट्रोल में तो स्टॉक मार्केट की न्यूज़ आती है, लेकिन कहने की बात ये है कि आपको टाइटन कंपनी बाय नहीं करनी है। आपका टारगेट अभी भी 200 से 300 पॉइंट नीचे का ही है टाइटन कंपनी का। अभी के लिए आप टाइटन कंपनी मत बाय कीजिए। और कहने की बात और एक है, जो स्टॉक मार्केट में अभी भी लेटेस्ट न्यूज़ आ चुकी है कि हमारे GDP की ग्रोथ 0% है, यानी कि हमारे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पूरा डाउन जाने के चांसेस है। तो हम बात करेंगे निफ्टी की, कितना नीचे जा सकती है निफ्टी। तो डेली एनालिसिस से अगर हम ग्राफ देखेंगे तो लगभग 7500 का लो बना चुके हैं निफ्टी, तो और कितने नीचे जा सकती है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे, अभी ये ऊपर दिखा रहा है, क्योंकि देखिए काफ़ी दिनों से स्टॉक मार्केट थोड़ा ऊपर आ चुका है अच्छी न्यूज़ की बदौलत। लेकिन अभी भी इसकी गारंटी यही है कि 7000 एक क्रॉस कर सकता है, यानी कि नीचे जा सकता है निफ्टी। तो आपको अभी के वक्त में आप कोई शेयर मत बाय कीजिए। इंट्राडे या फिर मैं जो वीडियो बनाता हूँ स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शन मार्केट, वो आप देख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी शेयर मत लीजिए। जैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने अरबिंदो फार्मा आपको बताया था, ये आप देख सकते हो। तो ये देखिए, मैंने 350 में बाइंग की थी लगभग, झूठ लगता है तो आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। मैंने सभी वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग के लिए अरबिंदो फार्मा मैंने बताया था, लगभग 550 तो के जा चुका है। तो इसने अभी स्विंग ट्रेडिंग क्रॉस कर चुकी है, तो मैंने इससे एग्जिट कर चुकी है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी अच्छा नहीं है। ऐसे ही मैंने काफ़ी शेयर बताए, ये मैंडियम हो गई, जिल हो गई, अरबिंदो फार्मा हो गई, या फिर ग्लीन मार्क। एक कंपनी ने पिछले सिर्फ 2 वीक में अच्छा परफॉर्मेंस किया, यानी कि लगभग 25 से 35% का रिटर्न दे चुके हैं 2-4 कंपनियाँ, और 2 कंपनियाँ सबसे ज़्यादा अरबिंदो फार्मा और ग्लीन मार्क, क्योंकि फार्मा और केमिकल सेक्टर बहुत अच्छे दौर में। तो आपको यही करना है, आपको अगर बाय कंपनी करनी है तो लोएस्ट में आपको फार्मा और केमिकल कंपनी बाय करनी है। अभी के वक्त में देखिए फार्मा कंपनी टॉप में, आप देख सकते हैं, या फिर UPL देखिए, ये हिंदल को आप देख सकते हैं, या कुछ ऐसी कंपनियां भी है, FMCG की भी अच्छी कंपनी है, जैसे ब्रिटानिया भी मान सकते कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, क्योंकि उन्हें GDP ग्रोथ या फिर इसका कोई असर होने वाला नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा असर है आप देख सकते हैं M&M और ऑटो सेक्टर और बैंक, और सबसे ज़्यादा ऑटो सेक्टर और बैंक और फाइनेंस है, उन सबको ज़्यादा है। तो आपको करना क्या है कि अभी M&M का आपका टारगेट रहेगा 250 के बीच में, आपको बाइंग करनी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो आप ये भी शेयर
लेटेस्ट हाईलाइट में हो सकता है। आने वाले न्यूज़ में M&M की भी न्यूज़ बड़ी आ सकती है, तो आपको इससे भी सावधान रहना है। तो अभी के वक्त में इतना ही। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।